हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि तान्या हमारी अक्की को काफ़ी कुछ बोलती है, मतलब शायद इतना जितना उसे बोलना नहीं चाहिए था, मतलब बोल चुकी होती है। और पूजा उस बात से अंदर तक घायल हो चुकी होती है, वो तड़प जाती है, कहती है कि चुश शराब तान्या, समझ में आया तुम ना एक नंबर की नहायत ही बेशरम लड़की हो। अच्छा जी, तुम करो तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हें ना पूजा मैं आज लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, समझ में आ? जितना हो सके जितना दूर रहो हम दोनों से, नहीं तो तुम्हारे लिए ना ये ठीक नहीं होने वाला। इस बात का तुम ध्यान रखना, और बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला। तुम अभी जितनी पंचायती करके गई हो ना उनके साथ, मैं चाहती तो इसका और मुँह तोड़ तुम्हें जवाब दे सकते थे, लेकिन तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि कभी तुम मेरे प्यार का पहला प्यार थे। नाउ गेट लॉस्ट। मुझे तुम जैसी लड़कियों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तो आज मैंने अपनी ये हद पार की है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और अब कृपया करके ना मेरा पीछा बंद कर दो तुम। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और हमें खुश रहने दो। मुझे तुम्हारे मुंह लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रत्ती भर का इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के तान्या कहती है कि तुम्हारा कोटा पूरा हो चुका है आज का, या अभी और कुछ सुनना बाकी है? बताओ तो सुनाओ। पूजा तिल मिला जाती है और कहती है तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगी। ठीक है कि वो वहाँ से जाती है तो पीछे से तान्या की एक फ्रेंड होती है जो तब से उसके साथ होती है जब से उसके पापा एक्सपायर हुए होते हैं, तो पीछे से आती है और कहती है हे दिया तुम कब आए यार? कहती है बस अभी, तेरा फ़ोन काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो इसलिए नहीं लग रहा था। तो तू डायरेक्ट मेरे कॉलेज आ गई? हाँ भाई, अब तुझसे मिलना था तो कॉलेज तो आना था ना, फ़ोन पे बात कर करके थक चुकी हूँ, तुझसे मिलना था इसलिए आ गई। और कैसा चल रहा है सब? और वो कहाँ है जिसने तुझे नई जिंदगी दी है एज पर योर से? तो कहती है क्लास में क्लास अटेंड कर रहे हैं। और ये कौन थी जिससे तू इतनी देर से बहस कर रही है? इतनी देर से बहस कर रही है मतलब तू कितनी देर से? मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो गया और जितना तूने उसे बका है ना वो सब मैंने सुना, तो वैसी तो नहीं थी। सडन तुझे कैसा ये सारा, मतलब इस तरह का बिहेव तो कब से करने लगी?
तो कहती है यार इस लड़की ने ना अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही रखी है, हमें भी चैन से नहीं देने दे रही। जब मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, जब ये अक्की के साथ थी, अक्की इसके लिए फील करती थी, तब इसने उसकी कदर ही नहीं की। और अब जब हम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो इसने ज़िंदगी जहन्नुम बना रखी। तो कहती है कि मामला तो गंभीर है। अरे यार गंभीर ही नहीं है, मतलब कि बता भी नहीं सकती कि इसने कैसे जीना मुश्किल किया हुआ है। मैंने बस इससे किसी तरह पीछा छुड़ाना चाह रही हूँ, जो छूट नहीं रहा। आई दिन आ जाती है ज़िंदगी में और ज़िंदगी कैसे तैसे करके चली जाती है। चलो वो तो ठीक है, तुम पहले ये बताओ जो तुमने उसको इतना सब कुछ बोला है, अभी तक तुम्हारे और तुम्हारे उनके बीच ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, तो तुमने इतनी बातें सुना कैसे थी उसे? तो तन्ने कहती है हम दोनों के बीच अगर इतना कुछ हुआ होता तो शायद मैं उसे नहीं बताती। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ और मुझे बस, मैं आज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा इरिटेट थी, बस उसकी ज़ुबान बंद करनी थी मुझे, और मुझे जैसे ठीक लगा मैंने किया। सही है गलत है मुझे नहीं पता, सही गलत से परे मैंने आज जो कुछ कहा कि अब सब मुझे ठीक लगा। लेकिन पूजा से तुमने अपने इन ज्योतरंगी पलों की एक झूठी भूमिका बांध के उसे बताई है, यह अगर जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारा कहा हुआ एक एक वर्ड गलत है तो वो क्या करेगी? अरे यार जब होगा वो देखा जाएगा। तो पाए तो भी तुमने जो पूजा से कहा है उसे सच क्यों नहीं साबित कर देती हो? तुम तो उससे इतना प्यार करती हो और उसे पाने के सपने देखती थी, और आज जब वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, बस मैं कुछ सोच रही हूँ और समझ रही हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि उन सारे पैमानों पे सही है, मैं उसकी पूरी तरह हो जाऊँगी। मैं अपने रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। दूसरी चीज़, फिज़िकल इंटीमेसी मुझे ऐसा लगता है जैसे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है, जब से इस बदतमीज़ लड़की ने उनसे कहा है कि करीब नहीं आते थे, कुछ करने नहीं देते थे वगैरह वगैरह। बस उनके दिमाग में यही बैठ गया है कि अगर ये सब ना हो तो रिश्ता चलता नहीं है, और ऐसा मेरे को लगता है। मैं कंफर्म नहीं होगी ऐसा है, बट मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी है कि उन्हें ये चीज़ फील होती है कि
इसीलिए पूजा ने उन्हें छोड़ा है। और मैं ये चीज़ उनके दिमाग से निकालना चाहती हूँ कि प्यार, फिजिकल इंटीमेसी, शारीरिक संबंध, लस्ट, इन सब से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। प्यार में ये इम्पोर्टेंट है, बट इमोशनल बॉन्ड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके करीब जाना चाहते हैं, उसे छूना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में नहीं होता। बस इसी बात का यकीन उनको दिलाना चाहती हूँ। अब इसका यकीन मैं उन्हें कब दिला पाऊँगी और कैसे दिला पाऊँगी ये मुझे नहीं पता। सच में नहीं पता दिला भी पाऊँगी या नहीं। उसकी फ्रेंड बोलती है कि प्यार पे भरोसा रखो, सब सही होगा और जैसा तुम चाहती हो अक्की बिल्कुल वैसी हो जाएगी। होप्स हो, मुझे उन्हें पूरी तरह नहीं बदलना, लेकिन जो चीज़ें, जो खामियां उनके अंदर है वो सही करनी है। उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। ये जो पूजा की सोच का असर हुआ है उनके ऊपर, ये ख़त्म करना है। कैसा कुछ नहीं होता, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। कर लोगी, टेंशन मत लो। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम यहाँ कैसे? बस तुमसे मिलने आई थी। तुमने जब से बताया था कि कोई है जिसे तुम प्यार करती हो, तब से बेचैन थी कि कौन है ऐसा जिससे तुम प्यार करती हो। बस और फिर तुमने जब ये बताया कि उसी ने तुम्हें आगे से प्रपोज कर दिया, तो खुद को रोक नहीं पाई और मिलने चली आई। अच्छा किया, अभी उनकी क्लास फ्री होगी, वो बाहर आएंगे, फिर मिल पाती हूँ तुम्हें मैं उनसे, ठीक है? तो कहती है बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उस शख्स का जिसने तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी हैं। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उनका। तेरे चेहरे पे एक अलग ही चमक है जो कभी नहीं देखी मैंने। कहती है बस सब उनकी बदौलत। मानते हूँ कि सब उनकी बदौलत, लेकिन कुछ तो सुरूर तेरा भी है ना, जो तूने उसे खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दिया। तन्ने का एक सेकेंड, उसे नहीं, उनसे या उन्हें। ओह क्या बात है, अब मुझे टोका जाए। ऑब्वियसली यार, उनके लिए ऐसे मत बोल प्लीज़। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।